Hi guys, I welcome you all to learn with Diamond Door. I hope that you all are well and you working with lots of effort and and simultaneously you take care of yourself as well. So as I promised कि अभी हम लोगों ने chapter पूरा complete कर चुके हैं और हम लोग अब next case study discuss करेंगे और it approximately मतलब कुछ ten case studies discuss करेंगे जितने सारे topics का जितना भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं. So that एक मतलब you know recap हो जाए कि recap भी हो जाए और एक तरह से हमारे testing भी हो जाए कि हमें कितना आता है और हम कितना dose में हैं और कितना पानी में है. राइट तो अभी क्या है हम लोग वी आर गोना डिस्कस द केस स्टडी ऑफ चैप्टर ट्वेल्थ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस स्टडीज क्लास ट्वेल्थ एंड सो हेयर हेयर यू गो विद द फर्स्ट केस स्टडी तो आंचल परचेज द फूड प्रोसेसिंग मशीन फॉर टेन थाउजेंड फ्रॉम काजल मैनु मशीनरी प्राइवेट एल टी डी शी फाउंड दैट द मशीन वॉज नॉट वर्क प्रॉपरली डिस्पाइट ऑल कंप्लेन द डिफेक्ट वॉज नॉट रेटिफाइड बाय द काजल मशीनरी प्राइवेट एल टी डी तो आई थिंक केस स्टडी के अंदर कुछ भी नहीं है और ये थ्री मार्क्स का है और राइट तो इसमें बहुत नॉर्मल सा बोला गया कि कोई आंचल है जिन्होंने मशीन कोई फूड प्रोसेसिंग मशीन खरीदी जिसकी प्राइस है टेन थाउजेंड और उसको मतलब उसको लग रहा है कि जो वो मशीनरी uh, वो ढंग से काम नहीं कर रही है और जब वो कंप्लेन लेके जाती है तो मतलब डिफेक्ट वाज नॉट रेटिफाइड मतलब uh, जो काजल मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी प्राइवेट ऑलरेडी है वो कहती नहीं ढंग मतलब हम उसको नहीं देख रहे मतलब दे यू नो इग्नोर इट राइट तो इसके अंदर आपको तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं इस केस स्टडी से रिलेटेड सो लेट सी वट आर द यू नो क्वेश्चन आइडेंटिफाइड दी कंज्यूमर राइट डेट हैज़ बीन वायलेटेड बाय द काजल मशीनरी प्राइवेट एल्टेडी तो उसने बोला कंज्यूमर राइट का बोला और ये मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया था कंज्यूमर राइट तो मेरे को मुझे लगता है मेरे पार्ट टू और थ्री के अंदर है ठीक है ना तो हम लोगों ने उसके अंदर सिक्स राइट्स हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ सिक्स राइट्स हैं और मैंने उसको अगर से नो मतलब तो डिटेल्ड में एक एक एक्सप्लेन एक 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 कर रखा है तो आपको बता रहा है इस केस के अंदर जो काजल मशीनरी प्राइवेट एल्टी है वो कौन से कंज्यूमर राइट को वॉलेट कर रही है तो राइट तो भी हट वो सुनी नहीं रही है नॉन रेटिफाइड बड़ा काजल मशीनरी वो सुनी नहीं रही वो कह रही नहीं मतलब वो रेटिफाइड ही नहीं कर रही है ये डिफेक्ट भी कुछ हो सकता है ठीक है रिड्रेसल और की तो कोई और अलग ही बात है बट दे डोंट वॉन्ट टू इवन फील टू बी हर्ड राइट तो क्योंकि मैं हमेशा आपको हर केस स्टडी समझाते हुए ये बोलती हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है बट आपको एग्ज़ाम के अंदर एक्सप्लेनेशन लिख के आनी है दो तो ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है और हमारे पास थ्री क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है बट आपको तब भी यहाँ पर अगर आपका टाइम परमिट करता है तो दो लाइन अगर टाइम परमिट नहीं करता तो भी आपको वन लाइन जो है वो देनी है राइट टू तो बी हर्ट के लिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इस सजेस्ट से अप्रोप्रिएट फॉरम वेयर था आर्चल कैन फाइलर कंप्लेंट अब आपको फॉरम बता रहा है कि कहाँ पे वो कौन से कोर्ट में जाके अपनी प्रॉब्लम को बताए तो बहुत इजी है तो डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि यू नो रिमेंबर उसका लिमिट क्या था कि जो भी आपका वैल्यू ऑफ द गुड है वो दस हज़ार एक करोड़ से जो है वो ऊपर नहीं जानी चाहिए तो यहाँ पे तो दस हज़ार है एक करोड़ से ऊपर तो नहीं जा रही इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है मतलब जीरो टू वन था वन करोड़ ठीक है वहाँ तक का जीरो तो नहीं लाइक रुपीज़ वन टू वन करोड़ तक का अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे और जिस मतलब यहाँ पे मुझे लगता है जितनी एक्सप्लेन उन्होंने दे रखी है सफिशियंट बिकॉज एक तो उन्होंने बताया सजेस्ट भी करा ऊपर से रीज़न भी बताया कि क्यों इसको डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाना चाहिए राइट नेक्स्ट इज दी कैन शी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ़ शी इज़ नॉट सेटिसफाई विद द ऑर्डर ऑफ द अप्रोप्रिएट फॉरम तो वो बोल रही है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर वो सेटिसफाई नहीं होती है तो, तो उसने लिखा है येस अभी ना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि ना जब मैंने इसकी थ्री टीयर ऑफ रिटर्सल मैकेजम पढ़ाए थे तो उसके अंदर तीनों के अलग अलग कंडीशन दे रखे थे मतलब कि अगर वन मतलब जैसे इसमें लिखा होने डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए वन करोड़ है, स्टेट में जाने के लिए वन टू तो टेन करोड़ है एंड देन आपका नेशनल में जाने के लिए अबव टेन करोड़ है एंड देन फिर सुप्रीम कोर्ट है तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो टेन थाउजेंड है हमें वन करोड़ तो है नहीं वन करोड़ से तो सीट किया नहीं तो बहुत सारे बच्चे नहीं लिख नो लिख कर आएँगे बट वहाँ पर क्लाइंट भी लिखी होती थी कि अगर आप सेटिसफाई नहीं है तो आप फर्दर 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 तक जा सकते हैं टिल सुप्रीम कोर्ट और अगर उसके बाद में जाना तो शायद उसके लिए भी अलग है बट आपकी बुक में नहीं उतना तो येस वो बिल्कुल जा सकते हैं ठीक है ना यस लेकिन में रीज़न दे रखा बिकॉज अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सी डी आर सी विल बी हर्ड बाय द स्टेट सी डी आर सी अपील फ्रॉम दिस स्टेट विल बी हर्ड बाय द नेशनल फाइनल अपील विल लाइव बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और जब सबसे लास्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट को अगर आप सेटिसफाइड नहीं होते तो हम अमाउंट वाले जो वैल्यू ऑफ गुड्स है उसको इग्नोर मार देते हैं ठीक है ना क्योंकि अब तक तो आप रूल्स को फॉलो कर ही देते हैं ना और अब आप सेटिसफाईड नहीं हो तो यू हैव अ फुल अथॉरिटी टू यू नो टू बी टू फाइल अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल मतलब उसका प्रॉपर प्रोसेस चलेगा मतलब पहले वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगी फिर वो स्टेट में जाएगी फिर उसके बाद नेशनल में जाएगी फिर वो सुप्रीम में जाएगी ठीक है तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस केस स्टडी वेरी वेल एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देंट डू कॉमेंट बिलो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बाई गाईज़ टेक केयर